निर्दयी आई। हो, निर्दयी आई। तुम्ही ऐकताय ते अगदी बरोबर आहे। लिव इन पार्टनर सोबत भांडणं आणि आईकडनं आपल्याच 3 वर्षीय चिमुकलीची हत्या। अंगावर शहारे आणणारी ही घटना घडलीये नागपूरमध्ये। सविस्तर असं की ट्विंकल नावाची महिला ही रामा राऊत नामक व्यक्तीसोबत लिव इन मध्ये राहत होती। या नात्यातून त्यांना 2021 साली एक मुलगी झाली। मात्र तिच्या जन्मापासूनच दोघांमध्ये खटके उडायला सुरुवात झाली। असंच एकदा दोघांमध्ये भांडण झालं। यानंतर ट्विंकलने आपला सर्व राग आपल्या मुलीवर काढला आणि यातूनच तिला संपवलं। दरम्यान नागपूर पोलिसांनी ट्विंकलवर कारवाई केली असून तिला अटक केली। मात्र दोघांच्या भांडणामध्ये चिमुकलीचा जीव गेल्यामुळे नागपुरात हळहळ व्यक्त होत आहे। काल रात 10:30 बजे एक महिला पोलीस स्टेशन में आई। उसके पास में एक 3 महीने की लड़की थी और वो उसने बोला कि मैंने मेरे लड़की को उसका गला, मुंह और छाती दबा के उसको जान से मार दिया है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते ही हमने तत्काल वो महिला को लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भेजा और लता मंगेशकर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी जो रियांशी नाम की 3 साल की बच्ची थी उसको चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में हमने महिला के पति को बुलाया। महिला के पति के रिपोर्ट पर से हमने वो जो ट्विंकल है उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। ये ट्विंकल और रामा ये दोनों आपस में रिश्तेदार है और ये दोनों 2020 से पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप है रह रहे थे और 2021 में उनको एक बच्ची हुई, उनका नाम रियांशी है। और ये भंडारा जिले में तुमसर में ये रामा राउत के घर पे ही रहते थे। वहां से कुछ महीने पहले ये नागपुर में काम के लिए आए और फिर एक पेपर कोन कंपनी में दोनों अपनी बच्ची के साथ में काम करते थे। तो घटना के दिन कल भी इनका वो रामा राउत के किसी और के साथ में रिलेशन है, इस बात पे उसका ट्विंकल का झगड़ा हुआ और वो अपनी बच्ची को लेके घर के बाहर पड़ी और फिर बाहर उसने एक जगह पे वो रियांशी उसकी लड़की रियांशी को उसकी गला, छाती और मुंह दबा के मार दिया। हमने आरोपी ट्विंकल के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया है।